हेलो पढ़ंतुओं, आप सभी का द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में वानिकी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा। बेसिक जो भी था उसके बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वो वीडियो लेक्चर पसंद आया, आई होप कि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा उससे। आज हम लोग जो हमारे CGACF रेंजर का पहला टॉपिक है सिल्वी कल्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक। अब देखें, सिल्वी कल्चर के बारे में हमको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो सिल्वी कल्चर में हम सबसे पहले तो बात करेंगे भाई सिल्वी कल्चर होता क्या है, उसके डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, परिभाषा देखेंगे क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं और उन परिभाषाओं में जो भी टर्म्स आएंगे उसको विस्तार से समझेंगे। ओके ओके। दूसरी चीज कि भाई हमको पढ़ना क्यों है सिल्वी कल्चर, उसका उद्देश्य क्या है, उससे हमको क्या जानकारी मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। और उसके बाद फिर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉरेस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, ठीक, उन सभी फॉरेस्ट्री की शाखाओं के साथ इस सिल्वी कल्चर का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो मेनली आज के लेक्चर में ये हम कवर करने वाले हैं। देखें, फॉरेस्ट क्या होता है? एक एग्रीकल्चरल लैंड या खेती वाली जो जमीन है उससे बाहर की जो जमीन होती है जिसमें हरे बड़े भरे पेड़ पौधे जो है वो उगे हुए हैं। ठीक है, वहां पे जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक, इस फॉरेस्ट को उगाने की जो साइंस है, विज्ञान, उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट्री। क्लियर है? ठीक। और इसी फॉरेस्ट्री, इसी वानिकी की एक छोटी सी शाखा होती है, एक स्ट्रीम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्लियर है? ओके, ये सिल्वी कल्चर या वन संवर्धन कहलाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो इसको हिंदी में भी सिल्वी कल्चर ही बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वन संवर्धन हमेशा ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। अब देखो, ये सिल्वी कल्चर एक लैटिन शब्द, ठीक है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, सिल्वा, यहां से आया है। क्लियर? पहला ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपका यहां बन गया, याद रखना। ठीक, सिल्वा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वुडलैंड। क्या होता है? वुडलैंड। ठीक है, या इसी को हम लोग फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वुडलैंड को जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि भाई गांव के बाहर का जो एरिया था उसकी जो बाउंड्री थी, एरिया आउटसाइड ऑफ द विलेज, वहां पे जो फॉरेस्ट्री उगाई गई, ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट बने, वही आपका क्या कहलाता था? वुडलैंड कहलाता था, फिर उससे आया फॉरेस्ट। तो वही चीज यहां पर भी है। क्लियर है? अब ये सिल्वा प्लस कल्चर यानी कि क्या, ये जो वुडलैंड है यानी कि लकड़ी जहां हमको मिल रहा है इस फॉरेस्ट में, ठीक है भाई, वृक्ष उगाओगे तो वृक्ष से क्या मिलेगा? टिम्बर, लकड़ी। तो वो लकड़ी को उगाने के लिए या लकड़ी की जो खेती है उसको हम लोग सिल्वी कल्चर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक भाई, क्या होता है देखो, जैसे हम लोग अनाज उगा रहे हैं, ठीक है, तो फसल की जब हम खेती कर रहे हैं, अनाज की क्रॉपिंग हम कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप एग्रीकल्चर। क्लियर? वैसे एक होता है यदि आप फलों की खेती कर रहे हैं, ठीक है, फ्रूट क्रॉप कर रहे हैं, फल का उत्पादन कर रहे हो फसल, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो वैसे ही जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है, यानी कि हम लोग टिम्बर या ट्री क्रॉप हम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिल्वी कल्चर। बात समझ में आई? क्लियर है? समझ गया ना? देखो, एक होता है बॉटनी, ठीक है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, उसमें क्या है कि भाई जितने भी सजीव स्पीसीज हैं, ठीक है, लिविंग स्पीसीज है, उनके जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं तो उसका स्टडी करना वो बॉटनी कहलाता है।
समझ गए बात को। हम अनाज की फसल ले रहे हैं फूड क्रॉप एग्रीकल्चर, फल का उत्पादन कर रहे हो तो हार्टिकल्चर, लकड़ी के लिए या ट्रीज का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉपिंग कर रहे हैं तो वो आपका सिल्वी कल्चर कहलाएगा। कैसे करोगे वो सिल्वी कल्चर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक क्लियर है इतना। यानी कि फॉरेस्ट्री में जो उगाने की जो साइंस होती है उसको हम कहते हैं सिल्वी कल्चर। आपने लास्ट क्लास में साइकिल देखा था, क्या साइकिल देखा था कि भाई एक बीज है, ठीक, उस बीज को हमने क्या किया, वो जमीन पे उसको लगा दिया, अब उसके बाद फिर उसमें पानी पड़ा और भी चीजें उसमें इफेक्ट करेंगी, उसके बाद फिर वो क्या होगा, वो सीड से अंकुरित होकर के यानी कि एक रीजनरेशन के प्रोसेस में आएगा, अंकुरित होगा, ठीक, और फिर उसके बाद ये एक प्लांट का रूप लेगा, एक पौधा बनेगा, और उसके बाद फिर कई सालों के बाद ये एक ट्री बन जाएगा, एक वृक्ष बन जाएगा। अब जब ये वृक्ष बना, ठीक है, तो इसमें क्या, ये देखो ये क्या है, ये लकड़ी है, ये टिम्बर है। बात समझ में आ गई। तो इस वृक्ष के इस क्रॉपिंग को हम कह रहे हैं क्या, ये आपका कैसे करेंगे वो सिल्वी कल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो सिल्वी कल्चर में मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम ये ट्री का या कहो कि स्टैंड ऑफ टिम्बर, स्टैंड ऑफ टिम्बर, देखो वृक्ष में ये जो यूनिफॉर्म शेप का जो भाग होता है इसी को हम लोग स्टैंड कहते हैं। यही जो है मेन आपका क्या है, लकड़ी है, ठीक क्लियर है बात। तो हमको क्या करना है कि ये वृक्ष जब बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, काटेंगे, क्योंकि हमको लकड़ी की जरूरत है, डोमेस्टिक यूज के लिए चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी हो सकता है। क्लियर है कि जैसे भाई हमको एक बैट बनाने वाली इंडस्ट्री है, उद्योग है, तो हम क्या करेंगे सीधा इसको जो है भेज देंगे कहाँ, यहाँ से लकड़ी बना करके, लकड़ी के उत्पादन के बाद इसको काट करके सीधा उस इंडस्ट्री को दे देंगे, वो अपना बैट बनाएगी। क्लियर है, डोमेस्टिक यानी कि कमर्शियल यूज के लिए करना है तो कुछ फर्नीचर बनाने हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ बाउंड्री बनानी है लकड़ियों की, तो फिर वो सीधे अपन कमर्शियल यूज उसको कर लेंगे, छोटे मोटे जरूरतें डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू उपयोगों के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो देखो हार्वेस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक, वो आपका किसमें आएगा, वो फॉरेस्ट्री के यूटिलाइजेशन में आएगा। क्लियर है, हम बात कर रहे हैं सिल्वी कल्चर की, वो कब, तो काटने से पहले। बात समझ में आ गई, काटने से पहले। तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है भाई, इस पूरे लाइफ साइकिल में जब बीज से वो वृक्ष बन रहा है, फिर वृक्ष से वापस फिर क्या होंगे, बीज आएगा, और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट भी तो पड़ेगा इसमें। क्लियर है, इस प्लांट के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत सारे वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वो भी उस पर अफेक्ट करेंगी, उसको प्रभावित करेंगी, उसी से उसकी देखभाल करना पड़ेगा। क्लियर है, तो देखभाल करने के लिए भाई जरूरत पड़ेगा कि किससे प्रभाव पड़ रहा है, कौन से फैक्टर्स है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, उस पौधे के उगने को, उसके वृक्ष बनने तक के प्रोसेस को, ठीक, ये अच्छी क्वालिटी के टिम्बर को प्राप्त करने के लिए जो भी इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसको स्टडी करना पड़ेगा। समझे कि नहीं बात को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किसमें करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे सिल्वी कल्चर में। बात समझ में आ गई, ठीक। वो फैक्टर्स क्या है, जो फैक्टर्स है उसको हम लोग फोर फैक्टर्स कह देते हैं, फोर फैक्टर्स, ठीक है। ये फोर फैक्टर्स क्या है समझो, देखो एक होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वो अभी मैं बताऊंगा उसको। दूसरी एक होती है क्या, एडेफिक फैक्टर, ठीक है, अभी विस्तार से समझेंगे। उसके बाद फिर एक होता है टोपोग्राफिक, क्या होता है टोपोग्राफिक, और एक होता है आपका बायोटिक फैक्टर, ठीक है, ओके। एक बार फिर से देखो, क्लाइमेटिक यानी कि हम बात कर रहे हैं कि वातावरण यानी कि एनवायरमेंटल की, एनवायरमेंट की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, ओके, क्या क्या स्थिति परिस्थिति, तो देखें देखें क्लाइमेटिक वातावरण की परिस्थिति में क्या क्या आ जाएगा, इसमें
एक तो आएगा क्या आपका सोलर रेडिएशन, ठीक है, सनलाइट, ठीक, या सोलर रेडिएशन की जितने भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक चीज हो गया, ठीक। इसी में आपका क्या भाई टेम्परेचर, क्लियर है बात, ओके, सनलाइट, फिर आपका टेम्परेचर भी इसी में आ जाएगा, आर्द्रता, ठीक है, हवा में नमी की मात्रा कितनी है या आर्द्रता कितनी है वो एक चीज हो जाता है ना, और आपका इसी में हो जाता है क्या विंड, हवा, ठीक है, इस हवा की स्पीड कितनी है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगी, ओके। इडेफिक, इडेफिक बोलने से आपका क्या, इसके तहत आता है आपका सॉइल का टेक्सचर या स्ट्रक्चर, यानी कि मृदा की संरचना कैसी है, क्लियर है, अलग अलग स्थान, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग संरचनाएं होती हैं मृदा की, और पर्टिकुलर किसी मृदा में उस मृदा की संरचना के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसमें प्लांट होती है, उसमें पौधे उगते हैं, उसमें क्रॉपिंग होती है, क्लियर है बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह की मिट्टी में कोई पौधा हो रहा है और उस पौधे को आप ला करके यहां लगा दिए तो बोलेंगे कि आप यहां पर भी उसको उगा सकते हो, नहीं, क्या पता यहाँ की मिट्टी वहां की मिट्टी अलग अलग है ना, तो मिट्टी के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो चीजें हैं सॉइल टेक्सचर वगैरह वो हम लोग किसके तहत देखते हैं, इडेफिक फैक्टर के तहत देखते हैं, क्लियर है बात। फिर आता है टोपोग्राफिक, यानी कि आपकी क्या स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति, जमीन कैसी है, क्लियर है, जमीन की दशा कैसी है, ओके, क्या वो स्लोपी है, क्या वो फ्लैट है, क्लियर है, क्या वो पर्वतीय क्षेत्र है, कोई पठारी क्षेत्र है, ये स्थलाकृति भी उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर है बात, ठीक है। फिर आता है बायोटिक, यानी कि आपका जैविक जो फैक्टर है वो, क्लियर, जैविक फैक्टर बोलने से जैसे कि जीव जंतुओं का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव जो है वो किस तरीके से इसको प्रभावित कर रहा है इस साइकिल को, ठीक है, या फिर कुछ जैसे कि राइजोबियम वगैरह जो जीवाणु होते हैं जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं उसकी वजह से फिर सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, क्या वो ग्रो कर रहे हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं, कमी हो रही है, ये सारी चीजें, तो वो सब जो है वो किस में आएगा, जैविक में आएगा, क्लियर। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं जिसको जनरली 4F कह दिया जाता है, क्या कह देते हैं, 4F, ठीक, ये 4F, 4 फैक्टर्स, जब ये पूरा साइकिल चल रहा है आपका तो यहां पर ये 4F का प्रभाव पड़ता है, क्लियर। तो इसके लिए यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का हमको यदि टिम्बर चाहिए तो उसके लिए जो भी इस साइकिल के दौरान इस पर फैक्टर्स इसको प्रभावित कर रहे हैं उन सभी के बारे में हमको पढ़ना होगा, हमको स्टडी करना होगा, ताकि एट लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि द क्रॉपिंग ऑफ टिम्बर, क्लियर है, एक अच्छा क्वालिटी का टिम्बर हमको चाहिए, वो हमको मिल सके सही मात्रा में, सही वॉल्यूम में, मैक्सिमम प्रोडक्शन हमको मिल सके, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, सिल्वी कल्चर, क्लियर है। अब देखो, अब मैं आता हूं किसमें, ये परिभाषा देखो आप, यहां पे 3 अलग अलग परिभाषाएं आपको दिख रही है, ठीक है। एक आप देख रहे हो कि सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप और ट्रीज, क्लियर, एक बार फिर से देखें, यह वन संवर्धन या सिल्वीकल्चर ये फॉरेस्ट्री की वह शाखा है जो कि एक तरह से एक कला है, एक विज्ञान है, किसके लिए, ट्री को उगाने के लिए, वृक्ष की खेती करने के लिए, क्लियर है बात, है ना, ये कला विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस। अब ये जो है एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, कि किस तरीके से ये हम इस साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं, उस साइकिल पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट्री को उगाने की एक साइंस है, ओके। अब आप देखो दूसरा डेफिनेशन देखो, जिसको दिया है किसने, चैंपियन एंड सेठ ने दिया है 1968 में। क्या बोलते हैं भाई चैंपियन एंड सेठ, देखो इन्होंने बोला थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रेजिंग द फॉरेस्ट क्रॉप, वन फसल को या वृक्ष की खेती, वृक्ष को उगाने की
जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिस है, उसको हम कहते हैं क्या, सिल्वीकल्चर। यानी कि देखो, आपने फॉरेस्ट्री में भी पढ़ा था थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके, क्लियर है, ठीक। लेकिन वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट था, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग द फॉरेस्ट है। बात समझ में आ गई? तो दोनों में डिफरेंस को समझना, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो हम सैद्धांतिक बात भी कर रहे हैं और व्यावहारिक बात भी कर रहे हैं कि कैसे उसका एप्लीकेशन है, ठीक, वो पार्ट भी यहां पे आ जाता है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऐसा आप याद रखिएगा, क्लियर है, ओके। अब तीसरी परिभाषा देखो, तीसरी जो परिभाषा है वो क्या है, सिल्विक्स एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब देखो समझो, एक नया यहां पे आपको टर्म दिख रहा होगा, सिल्विक्स, ठीक है। सिल्विक्स क्या है समझिए, उगाने के साइंस को हम लोग सिल्विकल्चर बोल रहे हैं, क्लियर है। तो भाई जब उगाना है तो अब अपने को एक कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, कि कैसे उगाना है, ठीक। उसके बाद फिर उस कैसे उगाना है को हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो सिल्वीकल्चर बनेगा, समझ रहे हो बात को। भाई जैसे देखो, मान लीजिए एक टिक का वृक्ष है, ठीक है, यानी कि एक सागौन की का वृक्ष है, ये सागौन की लकड़ी हमको यहाँ पे खेती करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो भाई ठीक, ये सागौन की लकड़ी है, ठीक, ये हो गया एक चीज। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे बीच में आएगा सिल्वीकल्चर वाला पार्ट और उसके पहले आएगा सिल्विक्स, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो दिमाग में है, क्लियर। फिर उसके बाद फिर भाई इसको टिक को सागौन के उत्पादन का करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे उसको उगाने के लिए, वो सिल्वीकल्चर, बस उनमें और सिल्विक्स सिल्वीकल्चर, उसके बाद फिर ये आपका सागौन का उत्पादन होगा, समझे ना। यानी कि एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूं भाई, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो अलग अलग आयु अवस्था में वो बढ़ते चलेगा, वो ग्रो करते चलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रो करेगा तो अलग अलग एनवायरमेंटल इफेक्ट आएंगे, उसको प्रभावित करेंगे, ठीक है। जिस तरह के लोगों से वो मिलेगा उस तरह के लोगों से वो सीखेगा, क्लियर है। उसको प्रॉपरली एक एजुकेशन हम लोग शिक्षा देंगे तो ताकि वो कल को इस लायक बन जाए कि वो अपना जीवन यापन करे, ये एक मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का किसी व्यक्ति का, क्लियर है। तो जो पेरेंट्स हैं वो उसको उस लायक बनाने के लिए क्या क्या उन लोगों ने सोचा, ठीक है, कि भाई एजुकेशन देंगे वो तो ठीक है, लेकिन अब एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन देना है वो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अब कैसे देना है कि भाई ये इस एरिया में ये स्कूल अच्छा है, वो पास पड़ रहा है तो वहां भेजें, कि नहीं थोड़ा दूर है वो स्कूल अच्छा है तो वहां भेज देते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये जो चीज है कि एजुकेशन देना है वो एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक, लेकिन फिर कैसे देना है, कहां देना है, क्यों देना है, वो आपका जो पार्ट हो गया वो सिल्वीकल्चर वाला हो गया, बात समझ में आई। तब फिर जा करके एक योग्य वो लायक बनेगा, वो अपने जीवन में अच्छा करेगा, वैसे ही हमको एक योग्य लकड़ी मिलेगी, बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है, एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर हमको मिलेगा, ओके। तो सिल्विक्स यानी कि उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये दोनों को मिला करके वो बनता है क्या, वो बनता है सिल्वीकल्चर, बात समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर से देखो, देखो ये सब नोट कर लेना है ना, ये फोर फैक्टर्स वगैरह क्या क्या होते हैं नोट कर लेना, सीधा पूछेगा कि लाइफ साइकिल में या फॉरेस्ट्री के लाइफ साइकिल में कौन से चार फैक्टर्स होते हैं, या पूछ दिया कि इनमें से कौन सा वो फोर फैक्टर्स में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये फोर फैक्टर्स के नाम आप याद रख लो, बाकी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अब देखो देखो सिल्वीकल्चर ये मेनली आपको क्या क्या चीजें बता रहा है, ठीक। सिल्वीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं भाई, एस्टैब्लिशमेंट, क्लियर है। दूसरा है आपका एक तो डेवलपमेंट और दूसरा आपका केयर, ठीक। और इसी में एक और पॉइंट क्या आपका कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर या फॉरेस्ट ट्री, क्लियर है ना। सिल्वीकल्चर जाइए, ओके। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो हमने लगाया, बीज लगाया, तो लगाना दैट इज आपका क्या, एस्टैब्लिशमेंट।
अब उसके बाद फिर जब ये ग्रो कर रहा है तो ग्रो करते हुए ये आपका फोर फैक्टर्स जो है मैंने आपको बताया वो काम आ रहा है, क्या क्या, क्लाइमेटिक, एडेफिक, आपका टोपोग्राफिक और बायोटिक, ये चार चीजें हैं। टिक टिक फिक फिक, ऐसा याद रखना, ठीक है? क्या क्या याद रखोगे? टिक टिक फिक फिक, क्लियर है? तो एक क्लाइमेटिक, बायोटिक, फिक फिक आपका क्या जाएगा, एक आपका टोपोग्राफिक और एक आपका क्या मैंने आपको बताया फिजियोग्राफिक, क्लियर? वो चीज आ जाती है, ओके? या जिसको बोलते हैं कि आपका इडेफिक, क्लियर है? सॉरी, इडेफिक और टोपोग्राफिक, क्लियर है इतना? ओके, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने टिक टिक बोला है, टिकटॉक नहीं बोला है, ठीक? देखो, अब देखिए, तो सिल्वी कल्चर जो है मेनली लगाना, उसके बाद फिर जब उसका विकास हो रहा है तब उसकी देखभाल करना, डेवलपमेंट एंड केयर, ठीक? और उसके बाद फिर आता है क्या आपका, उस टिम्बर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिल्वी कल्चर। मैंने बोला ना, काटने के बाद वो यूटिलाइजेशन वाले पार्ट में आएगा, लकड़ी काटने से पहले वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, सिल्वी कल्चर, क्लियर है? तो इतना पॉइंट भी याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? सिल्वी कल्चर, ठीक, इज द ब्रांच ऑफ साइंस और द फॉरेस्ट्री इन विच वी फोकस ऑन मेनली फोर पॉइंट्स। नंबर वन, एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि लगाना, ठीक है, स्थापित करना, फिर उसके बाद फिर उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर उसके देखभाल करना यानी कि केयर, क्योंकि वो एनवायरमेंटल इफेक्ट जो कर रहा है, अलग अलग प्रभाव जो उस पर पड़ रहे हैं उससे उसको बचाना, ठीक है, या उसकी वजह से कैसे और ग्रो कर सकता है उसको समझना, और फिर क्या, कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर यानी कि उसकी खेती, यानी कि ये देखो ये आपका बीज जो है वो ग्रो किया, उसके बाद फिर ये प्लांट बना, अब उसको या तो हम वहीं पर उसी उसको वृक्ष बनने दें, या फिर जहां पर हमको जरूरत है वहां पर इस प्लांट को लेकर के आर्टिफिशियली हम कहीं और ले जाकर के उसको क्रॉपिंग कर दिए, लगा दिए। तो ये टोटल आपका सिल्वी कल्चर, बात समझ आ गई? एट लास्ट हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आफ्टर द यूटिलाइजेशन हमको मिलेगा स्टैंड ऑफ टिम्बर, यानी कि ये वाला पार्ट, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब देखो, इतनी चीजें करने के लिए मेनली इस सिल्विक्स के जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, इसमें आपका दो चीज आता है, ठीक है, उसको समझना, क्या है वो दो चीज समझ लो। एक होता है लाइफ हिस्ट्री और दूसरा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ ट्रीज, समझे ना? ये दोनों को मिला के बनता है सिल्विक्स, केवल ये इतना, सिल्विक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? देखो, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ठीक है? तो लाइफ हिस्ट्री, तो लाइफ हिस्ट्री क्या, तो यही इसका लाइफ हिस्ट्री है, समझे कि नहीं, ठीक? और इस लाइफ हिस्ट्री के दौरान मेनली हम लोग ये स्टडी ऑफ फेनोलॉजी, ठीक है? अब आप बोलोगे फेनोलॉजी क्या होता है, ठीक है, तो बता देता हूं एक लाइन में, लेकिन याद मत रखना, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ठीक है? लेकिन चूंकि हम सिल्विक्स को समझ रहे हैं तो उसके लिए लाइफ हिस्ट्री, और लाइफ हिस्ट्री के लिए फेनोलॉजी। फेनोलॉजी मतलब जो भी जीव जंतु हैं, क्लियर है, ठीक? अच्छा, पहले क्या करना, मौसमी दशाओं का अध्ययन करना, और फिर उन सीजनल जो कंडीशंस है, मौसमी जो दशाएं हैं, उसकी वजह से किसी जीव जंतु पर, किसी पौधे पर क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक, उसकी स्टडी करना, वो फेनोलॉजी कहलाता है। तो ये पार्ट किसके अंतर्गत आएगा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रीज, और ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रीज का स्टडी करना, दैट इज कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो सिल्विक्स के अंतर्गत आता है। इसी सिल्विक्स में नेक्स्ट क्या है आपका, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, है ना? अब देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, तो इसमें आता है आपका कौन सा पार्ट, इसमें आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रीज, ठीक है? अब ये मॉर्फोलॉजी क्या है भाई, एक और बड़ा भयंकर शब्द आ गया फेनोलॉजी के बाद, तो घबराओ मत। मॉर्फोलॉजी यानी कि क्या, रूप का अध्ययन, ठीक है, रूप का अध्ययन करना, वो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा भाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिख रहा है, कैसे वो ग्रो करेगा, कैसे दिखेगा ऊपर, ठीक है, मतलब क्या, जैसे अलग अलग स्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि बहुत ठंड वाला एरिया है या बर्फीला स्नो वाला एरिया है, तो वहां पे आपका क्या रहेगा, जो वृक्ष रहेगा वो इस शेप में रहेगा, कोनिकल शेप में, जैसे फर हो गया, देवदार हो गया, वो वृक्ष ऐसा होता है, क्लियर है? फिर आप मान लीजिए किसी सब ट्रॉपिकल जोन में जाओगे,
आओगे तो वहां पे आपका जो वृक्ष रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, क्लियर, मतलब उतना ज्यादा फैलाव नहीं रहेगा लेकिन ऐसा दिखेगा आपको। और कुछ जगह पे क्या रहेगा कि बहुत ज्यादा उसका विस्तृत रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, जैसे कि जनरली शीतोष्ण उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये दरअसल ये जो आप जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं, क्राउन, ठीक है। तो उसी का जो सब हम स्टडी कर रहे हैं, ये भी आपका क्या कहलाएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री। तो सिल्विक्स कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है जिसमें लाइफ हिस्ट्री और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, और फिर उसको समझ करके उसके रूप का अध्ययन करके और मौसमी दशाओं के आधार पर उसका अध्ययन करके उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है किसमें, सिल्विकल्चर में आ जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखो आप, ठीक है, आप वीडियो जो है आप पीछे करके देख सकते हो, लेकिन अब शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि भाई सिल्विकल्चर ये पूछेगा तो डेफिनेशन जो है वो यहां पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट, ठीक, बट इसके अलावा एक जनरल डेफिनेशन आप जो बनाएंगे वो यहां से बनाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट डेवलपमेंट एंड केयर एंड कल्टीवेशन ऑफ द टिम्बर एंड फॉरेस्ट्री, इन शॉर्ट एंड प्रिसाइज में ये इतना आपको याद रखना है, समझ गए बात को। ये ऐसे ही एनसीटीस क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, अब पूछेगा कि ये किसके लिए है या किसके लिए परिभाषित किया गया है, तो याद रखिएगा ये सिल्वी कल्चर यानी कि वन संवर्धन के लिए परिभाषित किया गया है, समझ गए बात को, क्लियर है। एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, 4 फैक्टर्स, यानी कि जब इस ये साइकिल बन रहा है यानी कि एक बीज से वृक्ष बन रहा है, तो उस बीच में जो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उस साइकिल को, पौधे की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, वो 4 फैक्टर्स आप याद रखिएगा, टिक टिक फिक फिक, क्लियर है बात इतनी, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखोगे, ओके चलो। और ये 3 अलग अलग परिभाषाएं हैं जिसमें से एक आपका किसने दिया, चैंपियन एंड सेट ने, तो पूछ देगा कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स ऑफ सिल्विकल्चर इज डिफाइंड बाय विच स्कॉलर, ठीक है, या विच राइटर, तो चैंपियन एंड सेट, और कब किया गया, तो 1968, ऐसा आप याद रखोगे, क्लियर है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि सिल्विकल्चर की स्टडी हमको क्यों करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके देखो। चलो अब देखो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि सिल्वी कल्चर जो है उसकी स्टडी करना वो किस उद्देश्य से हमको करना पड़ेगा या उससे क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। देखिए सिल्वी कल्चर मतलब सिंपली हम क्या कर रहे हैं, द कल्टीवेशन ऑफ द टिम्बर, हम लकड़ी की खेती कर रहे हैं, उसके लिए हम वृक्ष लगा रहे हैं, यही आपका सिल्वी कल्चर है, ओके। तो हमको क्या, हमको चाहिए भाई मैक्सिमम प्रोडक्शन, कितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, क्लियर है। तो मैक्सिमम उत्पादन करने के लिए हमको क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं, ठीक है। हमको एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी चाहिए, ठीक, और दूसरा हमको जितना ज्यादा हो सके वो चाहिए, समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें सिल्वी कल्चर की स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब और देखो विस्तार से, नंबर 1, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा किसको, क्रॉप कंपोजिशन को, ठीक है, कैसे देखें, ये चीज जो है वो डिपेंड करता है एक तो मार्केट की क्या डिमांड्स हैं, क्लियर है, यानी कि कहां के लोगों को और किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए कैसी लकड़ी चाहिए, क्लियर, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, जो लकड़ी की खेती कर रहे हैं उसमें हम उस चीज को शामिल करेंगे, क्लियर है। कहीं पे साल की लकड़ी चाहिए तो साल की खेती करेंगे, किसी को सागौन की लकड़ी चाहिए तो सागौन की हम खेती करेंगे, बात समझ आ रही है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड्स, मांग पे डिपेंड करता है ये। दूसरी चीज, एक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में वानिकी के, कि जो जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी कंट्रोल यदि करना है ना, तो हमको कंपोजिशन पे कुछ वेरिएशन लाना पड़ेगा, कुछ भिन्नता लानी पड़ेगी, क्लियर है। कैसे, हमने देखा था कि मान लीजिए ये एक खेत है और यहां पर हम लोगों ने सपोज कि कुछ ऐसे पेड़ लगा दिए, ओके, जो एक पर्टिकुलर मौसम में जब होता है तब उस पर्टिकुलर मौसम की वजह से अपने पत्ते जो है, पत्तियां जो है वो झाड़ देता है,
क्लियर है। तो अब उससे क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इसमें आग लग गई। अभी आग लग गई तो फिर ये अब बाकी जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि हवा, अगर हवा तेज हुई, ठीक है, तो हवा की वजह से, हवा की दिशा की वजह से क्या है, ये आग पूरा फैल जाएगा और पूरे जंगल में आग लग जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, कंपोजिशन में हम कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे, हम इस जगह पर एक ऐसे पेड़ को लगा देंगे जो कि साल भर कैसा रहता है, हरा भरा रहता है, क्लियर, एवरग्रीन रहता है, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इस क्षेत्र में आग लग भी गई तो ये यहां से क्रॉस करके इस क्षेत्र में नहीं आएगी। मतलब ये कि इधर की हमारी जो लकड़ी है वो सेफ है और इधर की जो लकड़ी है वो हो जल गई है, वो पूरा फायर बर्न हो चुका है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा एक ही कंपोजिशन रहता तो ये दिक्कत रहती है, पूरा ये भी नुकसान पहुंच जाता, लेकिन हम एवरग्रीन यहाँ पे वृक्ष लगा दिए हैं तो उससे ये हो रहा है कि नुकसान हमारा कम हो गया, यानी कि कह लीजिए कि प्रोडक्शन जो है वो ठीक है, जितना पूरा होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन उतना नुकसान भी नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। तो ये कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए हमको सिल्वीकल्चर स्टडी करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो हमको पता चला ना सिल्वीकल्चर की स्टडी करके कि हाँ भाई इसमें आग लग सकती है, ये साल भर हरा रहेगा, साल भर ग्रो करते रहेगा तो इसमें आग नहीं लगने वाली है, इससे ये इसको बचा सकता है। बात समझ आ गई। तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री के लिए कितना अच्छा फायदेमंद रहा, क्लियर, सिल्वीकल्चर की स्टडी करना। चलो अब आगे देखो, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर हमको, हमने फॉरेस्ट्री की, लकड़ी की खेती की, वृक्ष लगाए, वहां पर हमको क्या करना है, लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है। क्लियर है। देखो अगर हमको सिल्वीकल्चर की जानकारी नहीं होती, हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, वो कहीं से नर्सरी से पेड़ वेड़ लेके आ गए और भैया अच्छा दिखेगा, बस लागे लगा दिए, कहीं भी लगा दोगे क्या, क्लियर है, नहीं, कहीं भी लगा देने से फिर वो सीधा प्रभावित करेगा किसको, क्वालिटी ऑफ टिम्बर को, क्लियर है, और क्वांटिटी पर को भी प्रभावित करेगा, समझे ना। कैसे, देखो मान लो मैंने क्या किया, ठीक, हमने हर 10 मीटर पे एक एक पेड़ लगा दिया, क्लियर है, ये लगा दो भाई, लगा दिया, ठीक। अब ये पौधा हमने लगाया, वो बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, ठीक है, तो ये एक सफिशियंट स्पेस में लगा है, जितनी जगह चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, इस टिम्बर के फैलाव के लिए, इसके जड़ के फैलाव के लिए, ठीक, वो पूरा उसको अच्छी तरह से मिल रहा है, मृदा से जो कुछ भी चाहिए वो प्रॉपरली हर एक वृक्ष को मिल रहा है, जो भी रासायनिक पदार्थ है, जो भी ग्रो करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वृक्ष के पनपने के लिए, बढ़ने के लिए, विकास के लिए, वो सब कुछ उसको, सबको अलग अलग अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा है, हमको अच्छी क्वालिटी का टिम्बर मिलेगा, लेकिन वही आप क्या करो, आप इस हर 10 मीटर की बजाय आप मान लीजिए कि हर 2 मीटर में या 4 मीटर में सपोज मान लो क्या कर रहे हो कि एक एक ही आप लगा दिए, समझे कि नहीं, ठीक। अब ये छोटा है तब तक तो ठीक, जैसे जैसे बड़ा करते जाएगा तो क्या होगा, ये और विस्तृत होता चला जाएगा, और जब विस्तृत होता चला जाएगा तो ये देखो इसके ऊपर के जो क्राउन है ये आपस में ऐसे टकराने लगेंगे, समझे कि नहीं, अब टकराने लगेंगे तो जहां रेस्ट्रिक्शन आएगा वहां डेवलपमेंट रुकेगा, सीधी सी बात है, विकास रुकेगा, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये टिम्बर तो ठीक है लेकिन ये क्राउन जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा फैलाव की वजह से रेस्ट्रिक्शन आया, तो इधर की जो लकड़ी है वो हमारे कोई काम की नहीं, समझे कि नहीं। आप जरा जरा क्या करोगे, फिर आप वही करते रहोगे, आप क्या करोगे, डालियां काटोगे, टहनियां काटोगे कि प्रॉपर स्पेस मिल जाए, समझे कि नहीं। तो उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है, क्वालिटी प्रभावित हो रही है, समझे कि नहीं। जितना जगह यहाँ पे टिम्बर के विस्तार के लिए चाहिए, उसको बढ़ने के लिए चाहिए, उतना नहीं मिल पाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये हमको जब हमने सिल्वीकल्चर पढ़ा तभी तो हमको पता चला कि वन संवर्धन के लिए सिल्वीकल्चर, भाई हमको अच्छी फॉरेस्ट्री चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए पेड़ों के बीच में। बात समझ में आ गई। इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ टिम्बर के लिए हमको लकड़ी की क्वालिटी के लिए हमको ये इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, उसके लिए सिल्वीकल्चर जरूरी है। फिर आओ क्या, रिड्यूस द रोटेशन पीरियड,
हमको रोटेशन पीरियड को कम करना है। अब ये क्या होता है रोटेशन पीरियड भाई, हमने क्या किया, हमने एक बीज लगाया, बीज से अंकुरित होकर के एक छोटा वो पौधा बना, पौधे को हमने क्या किया, या तो वहीं पे नेचुरली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, वो वृक्ष बनेगा, या फिर आर्टिफिशियली उसको वहां से निकाल करके कहीं और लेके गए और वो फिर वृक्ष बना, तब हमको लकड़ी मिली जा करके, ठीक, ये एक साइकिल है ना। अब वही रोटेशन है, बीज से वृक्ष बनने तक की जो प्रक्रिया है वो रोटेशन कहलाएगी, फिर वापस एक दूसरा रोटेशन चालू होगा, दूसरी साइकिल चालू होगी, तो होगी कि नहीं। लेकिन देखो, एक बीज से वृक्ष बनने के लिए, क्लियर है, मान लीजिए कि भाई 10 साल लग गए, चलो कितने साल, 10 साल, ओके, यानी कि एक रोटेशन आपका 10 साल में कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद फिर क्या होगा, 11वें साल में फिर से आप ये एक बीज लगाओगे, वो बीज से फिर वृक्ष बनेगा, फिर लग गए 10 साल, बात समझ आ रही है। मतलब इस एक रोटेशन में आपने एक कल्टीवेशन कर लिया, एक खेती कर ली लकड़ी की, तो 10 साल में एक फसल आप तैयार हो रहा है आपका, है कि नहीं। तो आपको यानी कि एक वृक्ष तैयार हुआ, ठीक है, अब मतलब यह है कि पूरे 100 साल में आप मैक्सिमम कितना, 10 ही रोटेशन ले पाओगे ना, अगर हर 10 साल में एक वृक्ष तैयार हो रहा है तो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ठीक। लेकिन आप क्या करो, एक आपने ब्रिज इस तरफ यहाँ पे बीज लगाया, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, मान लो हम अलग से एक नर्सरी तैयार कर लेते हैं, ठीक, नर्सरी तैयार कर लेते हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि एक बीज जो है एक पौधा बन रहा है, पौधा बनने तक मान लीजिए ये 2 साल में एक पौधा बन के तैयार हो गया ना, क्लियर है, ठीक, 2 साल में पौधा बनके तैयार हो गया है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भैया ये जो 10 साल में एक वृक्ष बन रहा है, रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, आप क्या करो कि जब ये हमको पता है कि इस वृक्ष की जो है वो 10 साल में पूरा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो आप उसके 10 साल कंप्लीट होने से 2 साल पहले यहां नर्सरी में जो आपने लगा के रखा था पौधा, उसको आप क्या करो, उस फॉरेस्ट्री में लगा दो। बात समझ आ गई, क्लियर, मतलब ये कि टोटल एक रोटेशन जो 10 साल में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि उसमें 2 साल कम हो गया, क्लियर, तो जो 100 साल में आपका 10 रोटेशन हो रहा था, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, या ये कहोगे 80 साल में, ठीक है, क्योंकि 2 साल हमने ऑलरेडी नर्सरी में वो पौधा बन चुका है, समझे कि नहीं, अब बाकी के 8 साल फिर वो और लगेगा, ठीक है, तो 8 साल यानी कि इधर 2 साल कम हुआ कि नहीं, तो रोटेशन पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये कब करोगे आप, ये कैसे करोगे आप भाई, आपको जब सिल्वी कल्चर की जानकारी होगी तब करोगे, अदरवाइज क्या करोगे, छोड़ दिए, वो 10 साल में एक पेड़ बना, उसके बाद फिर से बीज लगा, फिर 10 साल और तैयार करो, फिर वृक्ष बन रहा है। बात समझ में आ रही है, ये सब सिल्वी कल्चर। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद फिर देखो भाई, एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, यानी कि आपका यदि आपको फॉरेस्ट्री लगानी है, फॉरेस्ट तैयार करना है, या फिर नए सिरे से फॉरेस्ट तैयार करना है, या किसी और फॉरेस्ट को और बढ़ाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट बनने के लिए आप नेचुरली मतलब वेट करते रहो कि हाँ भैया ये नेचुरली ये बन के तैयार होता रहे, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने तरफ से एफर्ट लगाओगे उस फॉरेस्टेशन को करने के लिए, क्लियर है, ठीक। तो उसके लिए जरूरी है सिल्वी कल्चर पढ़ना, सिल्वी कल्चर के बारे में पढ़ोगे तब समझोगे कि भैया विकास कैसे होता है, उस विकास करते समय क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर वर्क करते हैं, उसके हिसाब से मुझे उस वृक्ष के विकास के लिए, ग्रो करने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक। तो उसके लिए आपका नेचुरली ग्रो करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद से एफर्ट लगाओगे तो ज्यादा जल्दी फॉरेस्ट तैयार होगा, उसके लिए जरूरी है सिल्वी कल्चर स्टडी करना, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक्स, ठीक है, एक्सोटिक जो प्लांट होते हैं, मतलब एक्सोटिक बोलने से क्या समझ लीजिए, विदेशी, ठीक है, विदेशी पौधे या विदेशी पेड़ वृक्ष, ठीक है, जैसे कि आपका यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो अलग भौगोलिक प्रदेश में होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो वहां पे हो रहा है वो वृक्ष हम लोग बस सीधा वहां से ला करके यहां लगा देंगे, यहां भी हो जाएगा, नहीं, हो सकता है कि वो वृक्ष बन जाए लेकिन उस क्वालिटी का टिम्बर, उस गुणवत्ता का टिम्बर या लकड़ी वो हमको नहीं दे पाएगा जैसा कि वो जिस उपयुक्त कंडीशन में वो पैदा होता है तब वो देता है,
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई वो यूकेलिप्टस, मान लीजिए एक उदाहरण लो यूकेलिप्टस का, तो वो जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में सही तरीके से वो ग्रो करता है, विकास करता है, वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन हमको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो क्या करेगा, सही तरीके से ग्रो करके सही क्वालिटी का टिम्बर हमको देगा। ओके, तो इसलिए जब हम लोग विदेशी प्लांट के जब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि कहीं और ले जाके उसको लगा रहे हैं, ठीक है, ये एक जगह पे ये उग गया, ठीक है, इसको ले जा करके कहीं और लगाना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि सिल्वीकल्चर पढ़ें। उसके बाद आइए भाई क्रिएशन ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, कहीं नेचुरल फॉरेस्ट होता है वहां पर आप क्या करेंगे कि आप उसमें नए वृक्ष कुछ लगाने हैं, कंपोजिशन चेंज करनी है, ठीक है, अपनी उपलब्धता के आधार पर, तो उसके लिए मैन मेड फॉरेस्ट बनाने के लिए आपको सिल्वीकल्चर बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि आपके जंगल सफारी, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऑलरेडी वहां पे पेड़ थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था वहां पे पेड़ पौधे नहीं थे, ऑलरेडी उस जगह पे, उस नया रायपुर की जगह पे आपके पास पेड़ पौधे वहां पे थे, एक फॉरेस्ट था, हमने क्या किया वहां पे और भी कई अलग अलग वृक्ष लगाए और एक नई फॉरेस्ट्री तैयार की। ठीक है, तो वो मैन मेड फॉरेस्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया, तो फिर उसके लिए सिल्वीकल्चर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी लाकर के कोई भी पेड़ पौधा लगा देंगे ऐसा नहीं है, यहां उस जगह पे उस जमीन पे जो मृदा की संरचना उसके आधार पर सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए क्या हो सकता है उसके आधार पर मैन मेड फॉरेस्ट तैयार करोगे। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट आप लोग याद रखना, मैं बता देता हूं, जैसे कि एक है आपका केरल में जो एक जगह है नीलांबुर, ठीक है, वो नीलांबुर पे सागौन वृक्ष की खेती की गई, फॉरेस्ट्री तैयार की गई, तो जो नीलांबुर टिक है वो एक आपने क्या किया मैन मेड फॉरेस्ट तैयार किया था। ठीक है, इसको याद रखना इसलिए क्योंकि पिछले साल ही इसको आई थिंक 2019 में ही इसको आपका GI टैग भी दे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, नीलांबुर टिक जो कि केरल में है। ओके, ठीक, तो ये इतना पॉइंट याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और उसके लिए हम ये विस्तार से हमने अध्ययन किया कि भैया क्यों सिल्वीकल्चर की स्टडी जरूरी है, अध्ययन जरूरी है। क्लियर है? चलो अब एक लास्ट टॉपिक मैं लेता हूं, वो है ये कि जो फॉरेस्ट्री के अलग अलग विभाग हैं, शाखाएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, उसके साथ इस सिल्वीकल्चर का क्या रिलेशन है। क्लियर, देखो अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, समझ लो। सिल्वीकल्चर का वानिकी की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, ठीक है, वो चीज देखिए। तो देखिए आप समझिए कि जो सिल्वीकल्चर है वो वानिकी की जितनी भी शाखाएं हैं उसका बैकबोन है, ठीक है, उसका आधार है वो। क्लियर, ठीक, मतलब कि एक ये आप देख रहे हो ये आपका फॉरेस्ट्री का अलग अलग यहाँ पर हम लोगों ने शाखाओं का नाम लिख दिया है, लास्ट क्लास में उन्हें पढ़ा था, ठीक है, ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, मैंसुरेशन फॉरेस्ट्री, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट्री, देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देन द फॉरेस्ट्री फाइनेंस, ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं, और इन सभी को आपस में जोड़ के जो रखने वाली जो चीज है वो है सिल्वीकल्चर, यानी कि सिल्वीकल्चर इन सभी का एक हब है, यहीं पे आके मिलती है। क्लियर है बात? कैसे, देखो अब भाई देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री की, ठीक है, तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो प्रिवेंशन है या फिर जो जितना भी डैमेज हो रहा है उसको अपन कंट्रोल कर सके, यही प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी डैमेज, जैसे कि चाहे वो मानव के द्वारा हो या उस फॉरेस्ट्री वृक्ष को, उस फॉरेस्ट्री क्रॉप को किसी जीव जंतु ने किस नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, आए दिन हम लोग सब देखते रहते हैं खबर, कहीं पे हाथियों का उत्पात चल रहा है जंगलों में, है ना, या फिर पेड़ पौधों को गिरा दिया गया इस तरीके से, या फिर फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, आग जो लग जाती है उसकी वजह से, तो इन सभी चीजों से उसको प्रिवेंट करना ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री है। अब कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, वो हमको बताएगा कौन, सिल्वीकल्चर। कैसे, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कंपोजिशन, कैसे हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर को जो है हम लोगों ने इसको प्रिवेंट किया, रोका, ज्यादा नुकसान होने से रोका, है कि नहीं, ठीक, हमने क्या किया, हमने जो पतझड़ वाले मौसम में जो वृक्ष जो है वो जल्दी सूख जाते हैं या फिर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आग लग जाती है, वहां पर हमने क्या किया, उस एरिया में बीच बीच में एवरग्रीन फॉरेस्ट्री लगा दी, वृक्ष लगा दिए, ठीक है, जिसकी
वजह से एक तरफ नुकसान हुआ आग लगने की वजह से, दूसरी तरफ वो आग नहीं पहुंच पाई। क्लियर है? तो ये सिल्वीकल्चर के तहत ही हम ये संभव कर पाए। मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन हमने देखा था कि मापन, ठीक है, कितना वॉल्यूम है, कितना डेंसिटी है, वो सबको मापना, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है आपका, मेंसुरेशन फॉरेस्ट्री कहलाती है। अब सिल्वीकल्चर से क्या रिलेशन है? तो भाई हमने क्या किया सिल्वीकल्चर में, हमने रेस किया, उगाया फॉरेस्ट्री, हमने एक टिम्बर उगा दिया, ठीक है, उसकी खेती कर दी। अब उस दौरान हमने अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई किए, सिल्वीकल्चर के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, ठीक, उसको अप्लाई करने से क्या प्रभाव पड़ा, कितना विकास हुआ, घनत्व क्या रहा, ठीक है, ये सब हमको कौन बताएगा, मेंसुरेशन, उससे एक रिजल्ट निकलेगा। क्लियर है? और उस रिजल्ट से हम ये तय कर पाएंगे कि हाँ ये एप्लीकेशन से, ये सिल्वीकल्चर के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से हमको ये रिजल्ट मिला, अभी इसमें और सुधार की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे कि फिर से हम सिल्वीकल्चर अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, मापन करेंगे। ओके, ये सारी चीजें होंगी। यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो यूटिलाइजेशन मतलब कि क्या, यूटिलाइजेशन मतलब कि जो वृक्ष है वो कब पूरी तरीके से परिपक्व हो गया, या एक अच्छी क्वालिटी का टिम्बर कब तक तैयार हो गया, और उसके बाद फिर उसको कब, क्या उसकी टाइमिंग है उसको काटने की, और फिर कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, या तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्राइज में किसी इंडस्ट्री में दे देंगे, या डोमेस्टिक पर्पज के लिए कहीं और देंगे, ठीक है। तो ये सिल्वीकल्चर हमको बताएगा कि भैया यूटिलाइजेशन हमको करना है, उसको काटना है, तो भैया कब करना है, कैसे करना है, क्या वो परिपक्व हो चुका है, या उसमें कुछ और सिल्वीकल्चर की स्टडी करनी बाकी है, मतलब कि उसका प्रिंसिपल अप्लाई करना बाकी है, उसके बाद फिर उसको काटा जाए, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद फिर पार्ट आता है क्या, इकोनॉमिक्स वाला, फाइनेंस वाला पार्ट आता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, मतलब ये कि भाई कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया और उससे कितनी बेनिफिट मिल रही है। क्लियर है? ठीक, तो मान लीजिए कि हमने एक लमसम अमाउंट जो है हमने इन्वेस्ट किया, वो फॉरेस्ट्री हमने लगाई, और कुछ सालों के बाद फिर वो हमको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, अब हम उसका स्टडी करेंगे कि हाँ इतना इन्वेस्ट करने से इतना बेनिफिट हमको मिला था, इतनी क्वालिटी का हमको टिम्बर मिला था, ठीक। लेकिन अगर हम लोग सिल्वीकल्चर क्या करेंगे, उसमें और अप्लाई करेंगे, उसके और एप्लीकेशन हम लोग उसके लगा के देखेंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है क्या हो, ये हमारा जो बेनिफिट है, यानी कि समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट है, लाभ है, उसका रेशियो जो है वो क्या हो जाए, उसमें कुछ अंतर आए, हमको और अधिक लाभ मिले। क्लियर है? तो ये सारा कुछ जो है वो सिल्वीकल्चर के कारण ही संभव हो पा रहा है। क्लियर है? तो ये सिल्वीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ दिस ऑल स्ट्रीम्स ऑफ द फॉरेस्ट्री। Is that clear? तो ये रहा आपका क्या, सिल्वीकल्चर, सिल्विक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके रिलेशंस टू द अदर ब्रांचेस ऑफ द अदर स्ट्रीम्स ऑफ द वानिकी। क्लियर है? आई होप कि आपके क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग सिल्वीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आज जो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे ना, क्लाइमेटिक और ये आपका बायोटिक हो गया, आपका टोपोग्राफिक हो गया, ठीक है, वो सारे चारों पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्ट में बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे सिल्वीकल्चर सिस्टम में पहुंचूंगा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो यहां तक आप अपना नोट्स बनाइए, जो भी टॉपिक यहां बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखते चलिए। देखिए एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रही हैं, आपको हेल्पफुल वो लग रही हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आपके गाइडेंस के लिए है, ठीक है, आपके मार्गदर्शन करने के लिए है, किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात ये कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। देखिए हम लोग रेगुलर यहाँ पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल में, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, और वो मैक्सिमम आपको बेनिफिट देने के ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से गाइडेंस लेते चलिए, लेकिन साथ ही साथ आपको लगता है कि आपको अच्छा मार्गदर्शन और कहीं से मिल सकता है, या फिर कोई अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार करते रहिए, तो वो सारा कुछ आप करते रहिए, एकदम एक ही जगह पे डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि तैयारी करना अलग बात है और सही डायरेक्शन में तैयारी करना अलग बात है। इज दैट क्लियर? और यहां पर आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है, ऐसा आपको लग भी रहा होगा। क्लियर है बात? ओके, चलिए आज के लेक्चर के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा और आपका प्रयास चलता रहेगा। थैंक यू।